नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर में। मैं विरत दुबे और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 13 और 14 अप्रैल 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसके। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि अगर आप इस लेक्चर की PDF पाना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ 8953595687 इस नंबर पर, या फिर आप हमारे साथ 9121815869 इन नंबरों पर व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट जो PDF वगैरह हैं, स्टडी के जो मटेरियल्स हैं, वो आपको उपलब्ध हो सकेंगे और भी बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो आपको इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू मिलती रहेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन नंबर पर हमसे मुलाकात करेंगे। चलिए, तो आज के पहले करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम द इंडियन मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। उस भारतीय मंत्रालय का नाम बताना है जिसने भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी HRD मिनिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो HRD मिनिस्ट्री के जो हेड हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और रमेश पोखरियाल निशंक ने इस ऑनलाइन कैंपेन को शुरू किया हुआ है न्यू दिल्ली से, और वे ये चाहते हैं कि इसमें जो टारगेटेड ऑडियंस हैं वो मुख्य रूप से टीचर्स और स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये लोग ही मिल करके बेहतर तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और बेहतर बना सकते हैं। और इन सब के सहयोग से HRD मिनिस्ट्री ये चाहती है कि लोग आएं और सीधे जो है वो HRD मिनिस्ट्री से जुड़ें, और साथ ही साथ वे बता सकें कि किस प्रकार के परेशानियाँ आती हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में, जिसे हम लोग सब लोग मिल करके दूर कर सकते हैं, जिससे कि डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, आपको इसके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया ड्यूरिंग मार्च 30 टू अप्रैल 5, 2020। तो मार्च 3 से लेकर के अप्रैल 5, 2020 तक की बात करी गई यहाँ पर, कि भारतीय व्यवस्था में निगरानी के लिए केंद्र के CMIE के आंकड़ों के अनुसार 3 मार्च से 5 अप्रैल 2020 के दौरान भारत में बेरोजगारी दर क्या है। तो भारत में जो बेरोजगारी दर है वो इस समय लगभग 23% या फिर एग्जैक्टली 23.4% है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है ये। CMIE का फुल फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा, CMIE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये इंडियन इकोनॉमी पर मॉनिटरिंग करने की एजेंसी है, और साथ ही साथ इसने डेटा रिलीज किया है जिसमें उसने बताया है कि 23.4% जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई है, जो कि 8.7% से बढ़कर हो गई। इसका मतलब पहले हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब ये है कि पहले हर सौ में से 8 लोग बेरोजगार हुआ करते थे, जबकि इस दौरान COVID-19 के प्रकोप के कारण हर 100 में से लगभग 23.4 लोग 23.4% लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि ड्रॉबैक हो गया है ये COVID-19 का अगर देखा जाए तो, और इससे बचने के लिए बहुत ही जल्द अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को निश्चित रूप से कोई ना कोई उपाय करने पड़ेंगे, और वो कर भी रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी संकट में स्थिति है, इस तरीके की चीज़ें तो होना स्वाभाविक है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में यह फिर भी बहुत कम है, जबकि यदि अगर लॉकडाउन जल्दी से जल्दी ना किया जाता तो ये आंकड़ा बताता है कि ये और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता था। ये फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी हालांकि चिंताजनक तो है ही, लेकिन यदि अगर इतनी जल्दी लॉकडाउन नहीं किया था तो ये रेट और भी ज़्यादा बढ़ सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हैज़ लॉन्च डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन फॉर वुमेन, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ NCW। NCW का आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया है, और NCW जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका फुल फॉर्म है, जो कि घरेलू हिंसा के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। तो इसका आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी NCW का आपको हेडक्वार्टर बताना है। तो NCW का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है NCW का हेडक्वार्टर आपका? न्यू दिल्ली में है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला। अब यहाँ पर उस नंबर को भी देख लेते हैं, वो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, और वो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 7217217, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7217735372। तो ये हेल्पलाइन नंबर इम्पॉर्टेंट है,
जो कि कह सकते हैं कि एनसीडब्ल्यू की तरफ से लॉन्च किया गया है, टू रिपोर्ट केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विच हैव सीन अ रेज ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड ऑफ कोविड-19। द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनसीडब्ल्यू इज इन न्यू दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन MOU विद जयपुर बेस्ड कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी टू काउंटर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के द्वारा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इससे बचने के लिए CUTS यानी कि कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए WHO, IMF, UNIDO, वर्ल्ड बैंक एंड ADB। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है UNIDO, और UNIDO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है आपका वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, और ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है या जो कि UN की यानी यूनाइटेड नेशन की है। तो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी UNIDO जिसका मुख्यालय वियना में है, इसने हाथ मिलाया है या कह सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ, CUTS के साथ। और CUTS क्या है, कंज्यूमर्स यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। और इसका कह सकते हैं कि आधार कहाँ पर है, कह सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है जयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो कह सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस जो आएंगी कोविड-19 के द्वारा, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है इससे बचने के उपाय जो है ये दोनों लोग मिलकर के निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है नेम द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक विच हैज लॉन्च डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म DigiGen। ठीक है, आपको उस छोटे वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का नाम बताना है जिसने DigiGen नाम का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो जन स्मॉल बैंक ने लॉन्च किया है, जन स्मॉल बैंक। और यहाँ पर लिखा हुआ है जन स्मॉल बैंक अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैज लॉन्च DigiGen, अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म विच एनेबल्स टू कस्टमर्स टू ओपन डिजिटली सर्विस अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट इनिशियली एनी टाइम एनीवेयर। तो ये एक सुविधा प्रदान करेगा जिससे कि आप डिजिटली जो है अपना अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं और उसे ऑपरेट कर सकते हैं कभी भी, कहीं पर भी और कहीं से भी, ठीक है। तो ये इस बैंक का नाम है जन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ठीक है, फाइनेंस बैंक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the ADB's assured सपोर्ट पैकेज टू इंडिया टू फाइट कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को ADB का सुनिश्चित समर्थन पैकेज क्या है। तो सुनिश्चित समर्थन पैकेज जो दिया जा रहा है कोविड-19 से लड़ने के लिए ADB की ओर से यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से, ये दिया जा रहा है 2.2 बिलियन US डॉलर, ठीक है। तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसके यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम भी लिखा है, तो आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना चाहिए, ठीक है। क्या नाम है, मस्तासुगु असाकावा, ठीक है, मस्तासुगु असाकावा, ये ADB के प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने अपने यहाँ यानी कि भारत में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं उनके साथ, उनको ये बताया है, उनको कहा है कि लगभग 16,500 करोड़ रुपए यानी US डॉलर में अगर इसको देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2.2 बिलियन US डॉलर, ठीक है, 2.2 बिलियन US डॉलर की यहाँ पर कह सकते हैं कि सपोर्ट करने की बात कही है कोविड-19 से लड़ने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेम द पर्सन हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे अगले 3 वर्षों के लिए कर्नाटक बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर बताना है। गलती से माफ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत हो गए हैं, मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर इसके ऑप्शन जो है वो गलत हो गए हैं, ठीक। यहाँ पर आपको कर्नाटक बैंक के कह सकते हैं कि रीअपॉइंटेड जो MD हैं उनका नाम है महाबलेश्वर MS। क्या नाम है उनका, महाबलेश्वर MS। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये महाबलेश्वर MS, ठीक है, महाबलेश्वर MS, ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जो है वो बनाए गए हैं किसके, कर्नाटका बैंक के, ठीक, कर्नाटका बैंक। इसके लिए अप्रूवमेंट जो है वो RBI से मिल चुका है, ठीक। ये प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है जो कि अगले 3 साल के लिए MD के रूप में महाबलेश्वर MS जी को अपॉइंट कर चुका है, ठीक है, रीअपॉइंट कर चुका है। अगला क्वेश्चन है नेम द इंडियन फॉर्मर RBI गवर्नर हु हैज बीन पार्ट ऑफ IMF's 12 मेंबर एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप।
भारतीय रिजर्व बैंक के उस पूर्व गवर्नर का नाम बताना है जो आईएमएफ के 12 सदस्यीय बाहरी सलाहकार समूह का हिस्सा रहा है। तो आपको रिजर्व बैंक के ऐसे पूर्व गवर्नर का नाम बताना है। तो रिजर्व बैंक के ये पूर्व गवर्नर हैं जिनका नाम है रघुराम राजन। क्या नाम है? रघुराम राजन। तो रघुराम राजन जी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम लिखा है क्रिस्टालिया गौरजीविया। ये जो है इन्होंने रिजर्व बैंक के पूर्व जो गवर्नर रघुराम राजन हैं उनको और दूसरे 11 लोगों को अपनी एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया है। तो टोटल मिला करके 12 लोगों को शामिल किया गया है जिनमें से एक व्यक्ति का नाम है रघुराम राजन जो कि हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी थे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज एज ऑफ अप्रैल 13, 2020। 13 अप्रैल 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के से कितने लोग लाभान्वित हुए थे या हुए हैं? कितने लोग लाभान्वित हुए हैं यहाँ पर पूछा गया है। तो अब जरा देखिए, 13 अप्रैल 2020 को गरीब कल्याण जो योजना है उसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 32 करोड़। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है? 32 करोड़। 32 करोड़ पुअर। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन 32 करोड़। तो काफ़ी बड़ी मात्रा है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी मात्रा है, छोटी मात्रा नहीं है। इसमें कहा गया है एटलीस्ट 32 करोड़ पीपल एंड पुअर एंड वर्नियबल पीपल्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। इसको शॉर्ट में बोलेंगे पीएमजीकेपी, मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ठीक है, 13 अप्रैल 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार इसमें 32 करोड़ लोग जो है वो लाभान्वित हुए हैं। और इसमें जो कह सकते हैं कि जो सहायक राशि जो प्रदान करी गई है वो है 29,352 करोड़, 29,352 करोड़ इंडियन रुपी। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट पैन इंडिया एग्रीकल्चर ट्रेनिंग पोर्टल ई नाम कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन अप्रैल 14, 2020। तो आपको बताना है सरकार का अखिल भारतीय कृषि व्यापार पोर्टल ई नाम 14 अप्रैल 2020 को लागू होने से कितने साल पूरे कर लिए हैं। तो ये पूरे कर लिए हैं 4 साल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4 साल पूरे हुए हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था, 14 अप्रैल 2016 को। तो इस तरीके से 2020 में ये 4 साल पूरे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है उस रेलवे स्टेशन का नाम बताना है जो भारतीय रेलवे में पहली बार सैनिटाइजिंग टनल स्थापित कर रहा है। नेम द रेलवे स्टेशन विच इज फर्स्ट इन इंडिया इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल सैनिटाइजिंग टनल्स। तो इसका नाम है हैदराबाद रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है? हैदराबाद रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। हैदराबाद रेलवे स्टेशन जो कालूपुर गुजरात में स्थित है, ये वेस्टर्न रेलवे का हिस्सा है और यहाँ पर WHO के द्वारा अप्रूव्ड एक सैनिटाइज टनल जो है वो स्थापित किया गया है जिसमें से जब यात्री गुजरेंगे तो ऑटोमेटिक ये टनल जो है वो सेंसर युक्त है जिससे कि जब यात्री इसके अंदर से गुजरेंगे तो उनके ऊपर सैनिटाइज जो मटेरियल्स हैं उनका फवारा जो है वो गिरेगा जिससे कि ऑटोमेटिकली जो है वो लोग सैनिटाइज हो जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से COVID-19 को देखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बचने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है, इसके प्रभाव से बचने का काफ़ी अच्छा तरीका भी है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया इन फरवरी 2020 एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि फरवरी 2020 में भारत का राजकोषीय घाटा GDP के परसेंट के संदर्भ में कितना होगा। तो GDP के संदर्भ में कितना होगा, इसका करेक्ट आंसर है 5.07%। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 5.07%। ठीक है, तो जरा इसकी डिटेल देखते हैं क्या है। लिखा है द रिपोर्ट रिलीज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
स्टेटेड दैट फिस्कल डेफिसिट इन फरवरी वॉज 5.057% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू मीट इज रिवाइज फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.8% ऑफ जीडीपी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा आंकड़ा जरूर मिल गया है कि हालांकि काफ़ी चिंतनीय है ये कि जो जीओआई की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो फरवरी का फिस्कल डेफिसिट है जीडीपी का 5.07% ये आई है, ठीक है, 5.07%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है अभी अभी, और इसका करेक्ट आंसर जो है आपको नहीं मिल ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। आप फिर से इसको देख सकते हैं, अभी मैं इसका क्वेश्चन जो है वो पहले ही दोहरा चुका हूँ कि कर्नाटक बैंक के जो सीईओ हैं जिनको रीअपॉइंट किया गया उनका नाम क्या है, तो उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। इसके बारे में हम आपसे पहले डिस्कशन कर चुके हैं, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड डिजिटल स्टेथोस्कोप विच कैन लिसन टू हियर बीट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड रिकॉर्ड। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो दूर से ही धड़कन को सुन सकता है और रिकॉर्ड भी कर सकता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे के लोगों ने इसको किया है। इसकी डिटेल के बारे में जरा देखते हैं। लिखा है, अ टीम फ्रॉम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर यानी BETIC एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ बॉम्बे यानी IITB हैज़ डेवलप्ड अ डिजिटल स्टेथोस्कोप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जो है वो बनाया गया है, जिसकी सहायता से क्या होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो बगैर पेशेंट को टच किए उसकी हार्ट बीट को दूर से ही सुन सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे कोरोना वायरस के डायरेक्ट संपर्क में आने से जो हमारे डॉक्टर्स आर्मी हैं वो बच सकेंगे, इससे उनके जीवन को खतरा कम हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति हीरानंद हु पास्ड अवे इन अप्रैल 20 इज कौन है? ये शांति हीरानंद जिनका अप्रैल 2020 में भी निधन हो गया है, तो ये हैं क्लासिकल सिंगर। ये कौन है? एक क्लासिकल सिंगर है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। और ये क्लासिकल सिंगर जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि इनकी डेथ जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी। 87 वर्ष की उम्र की थी ये, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। शांति हीरानंद जी जो हैं वो बहुत ही फेमस सिंगर हैं, और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो पद्मश्री अवार्डी भी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है, व्हेन वाज नेशनल सेफ मदरहुड डे? नेशनल सेफ मदरहुड डे यानी NSMD सेलिब्रेटेड एनुअली। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष मनाया जाता है 11 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसको मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं या फिर जो प्रेगनेंसी में या कह सकते हैं कि जिन जो मतलब चाइल्ड बर्थ जिनका हो चुका है, इनमें में से किसी भी कंडीशन में जो माँ बन चुकी हैं या माँ बनने की कगार पर हैं, उनके लिए एक जागरूकता अभियान है ये। और उसके तहत ही अगर देखा जाए तो ये नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो मनाया जाता है हर साल 11 अप्रैल को, ठीक है, जिससे कि जो माएँ हैं वो अपने बच्चों की सही तरीके से केयर कर सकें। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स, और उम्मीद है कि आपको इस करंट अफेयर्स के ये जो सेशन है ये पसंद आया होगा। आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, इसे शेयर करिए अन्य लोगों के साथ, और यदि अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करना ना भूलिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपका समय शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।